तो जो मेरा बेडरूम है वहाँ से दिख रहा है तो किचन है ना, यहाँ पे आ चुके हर इसके अप्लाइंसेस। उनमें से जो पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो है मेरी थार का है, जो मैंने बुक करवाई थी नवंबर में। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here and guys, welcome back to another daily vlog. And guys, जो मेरा नया वाला घर है वहाँ पे आ चुके मेरे नए वाले बेड, एंड जो बेड है वो लगभग उतने दिन पहले ही आ गए थे, बट आज वो हो चुके हैं असेंबल। टाइम अभी हो चुका है सिर्फ 15। तो जो पूरे बेड की डिजाइन है पूरी मम्मा ने करे थे फाइनलाइज, मुझे बेड का जो डिजाइन है अभी तक उसका कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा। तो चलते हैं जल्दी से नए वाले घर पे, करते हैं लोगों को तो बिना किसी देरी के, लेट्स गो। Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. तो गाइस हमारे वॉशरूम है ना, उसमें लगे हुए थे प्रेशर पंप शावर के लिए, तो अब ये भी उतर चुके हैं। अभी बस आखिरी हमारा इस वाले घर में एक दिन बचा हुआ है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा नए वाले घर में। और मम्मा ने मेरे को बोल दिया कि जो हरे बॉक्सेस है ना ये मेरे को लेके जाने हैं एक ही बार में, तो ये भी मैं खुद ही लेकर जाऊँगा। वो जिन पैकर्स को मैं ये सारे नहीं देने वाला हूँ कि सारे शूज़ हैं, नीचे जेरी कैंस हैं, और यहाँ पर और भी सामान है चेन लुब्रिकेशन के लिए, यहाँ पर और भी शूज़ हैं मेरे, तो ये वाला शूज़ रख के यहीं पर रह जाएगा। बट जो हरे चीज़ें हैं इंक्लूडिंग द पैडो की थारा मेरे को लेके जाना है। तो यार यहाँ पे भी जो मशीनें अभी भी खड़ी हुई हैं कल आके खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे है वॉल्वो का रोड रोलर ट्रैक्टर, देन जो वाली मशीन है उसका नाम नहीं पता, तो अगर आपको पता मेरे को बताओ उसका नाम कमेंट, एंड उसके आगे खड़ा हुआ है एक रोड रोलर। एंड लिटरली गाइस मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी ट्रैक्टर वगैरह की, क्योंकि मेरे को पहले ना बहुत सारा शौक था, लाइक आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैक्टर्स एंड रोड रोलर्स। एंड मेरे पापा थे मम्मा थी हमेशा मेरे लेकर आते थे रोज रोज एक ट्रैक्टर या रोड रोलर का टॉय, एंड मेरे को इससे एक तरह से बहुत ज़्यादा ना खुशी मिलती थी इसको देखने से। तो अगर आपको वैसा कोई टॉय था जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट था मेरे को बताओ करके कमेंट। तो वैसे मैं भी क्या था ड्राइव यहाँ पर लेने के लिए ड्रेसेस, इसमें हरी टांग नहीं है नए वाले घर में मम्मा की अलमीरा में, और अभी जा रहा हूँ नए वाले घर पर। टाइम अभी हो चुका है 6:54, देख लो। तो आ गया हूँ मैं अभी नए घर में, एंड जा रहा हूँ सीधा अपने फ्लोर पे। तो जो मेरा बेड है मेरे को यहाँ से दिख रहा है, और ये है मेरा बेड, बहुत ज़्यादा ह्यूज सा लग रहा है अब। और अब मेरे को मिल रहा है एक तरह से आइडिया कि कैसा होगा अपना टेलीविज़न, कहाँ पे आ जाएगा टेलीविज़न अपना। साइड टेबल है ये, और यहाँ पे छोटी सी दिक्कत है इसके साथ में, ये थोड़े ऊपर होने चाहिए थे, और ये थोड़ी सी लंबी बन गई है। ब्राउन कलर का बेड है पूरा बैकग्राउंड, यहाँ पे बेड बॉक्स है, यहाँ पे हरे भरे आ जाएंगे टॉयज, इसमें लगा हुआ है हाइड्रोलिक। एंड अभी मोर ओवर ये जो साइड के टेबल्स हैं ये ज़्यादा बड़े बन गए हैं, और इसमें ड्रॉर्स भी हैं। और अगर मैं इसको करता हूँ ना तो ये देखो ये जो स्विच बोर्ड है बीच में आ रहा है, और अंकल स्विच बोर्ड से थोड़े से बड़े बन गए, ऊँचे ऊपर आ गए, जबकि थोड़े नीचे बनने चाहिए थे। और बेड में थोड़ी सी गलतियाँ यार, मतलब जो डिज़ाइन हमने कहा था आपको देखो स्क्रीन पर, और ये डिज़ाइन देखो बस देखो बेड अंकल मेरे को वैसा नहीं लगा जैसा जैसे आप दिए थे, हाँ वैसा नहीं है वाला। बाकी ड्रॉअर देखो, ड्रॉअर तो चलो ठीक है, क्वालिटी लुक्स फाइन, बट फिनिशिंग वर्क जो देखो ना थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग वर्क अच्छे से नहीं करा हुआ, पेंट वगैरह जगह जगह है। ये देखो द फिनिशिंग वर्क इज़ नॉट डन प्रॉपरली, और ये देखो एक तो ये चीज़ बैलेंस नहीं है। स्विच बोर्ड यहाँ पर भी है, इसकी थोड़ी बहुत दिक्कत है, बट आपको एक बार दिखाता हूँ मैं जो गेस्ट रूम में आया मैं दिखाता हूँ मेन बेडरूम का भी। एंड भाई ये है सेकेंड बेड का जो पीछे का है वो आएगा कल, और दिखाता हूँ इसको खोल करके। और बीच में मैंने यहाँ पे एक ड्रॉअर बनवाया है, देखो ये रहा ड्रॉअर, इसका जो हाइड्रोलिक अंकल ये बहुत ज़्यादा कम खुल रहा है, मतलब इसमें तो अंकल अगर आखिरी में डालना हो तो सामान का हाथ भी नहीं जाएगा हमारा। हाँ, और सेम है इधर ऐसे है, यहाँ पे भी की लगी हुई है बेड बॉक्स में। और अंकल हाइड्रोलिक से मेरे को थोड़ी सी लगी कमी कि इसमें हाथ प्रॉपर जा नहीं पाएगा एंड तक। और ड्रॉअर तो चलो ठीक है खोल लेंगे। एंड इस रूम की जो थोड़ी थीम है वो है वाइट एंड थोड़ी सी रेडिश है, एंड साथ में जो टेबल है साइड टेबल ये भी रेड है, वहाँ की भी रेड है। एंड जो ड्रॉअर है अभी ये खुला हुआ है, ये नेट बोल्ट्स हैं बेड के। तो जो किचन है ना यहाँ पे आ चुके हर इसके अप्लाइंसेस, एक्वा गार्ड आ गया है, चिमनी हो गई इंस्टॉल फेबर की, हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे आ चुका है बर्नर भी, ये हमने मंगवाया है अमेजोन से, ये भी है वॉश बेसिन हमारा। ये पूरा जो क्लीनिंग है ये हो जाएगी अंकल कल, और फिर परसों अंकल परसों तो आ ही जाना है, ठीक है यहीं पे हमको आ जाना है परसों। पर जो बेड है ना उसमें थोड़ा सा मैं हुआ डिसअपॉइंट, जस्ट बिकॉज की जो बेड की फिनिशिंग है वो अच्छे से हुई नहीं है, और भी जल्दी हमारे घर के अंदर पूजा भी। एंड जो ये पूरा ड्राइंग रूम है यहाँ पे आ जाएगा पूरा काउच और सोफ़ा। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब तो यहाँ पे आ जाना है परसों। और रेलिंग जो है पूरी अब हो चुकी है डन, कल जो थी ना ये हाफ हुई थी, और अभी पूरी छत तक हो चुकी है। हाँ भाई,
A few moments later. तो अभी अंकल और मैं आए हैं कुछ खाने के लिए. अभी रोल खाया है, उसके बाद में अभी यहाँ पे मोमोज की प्लेट है, वेज मोमोज है. तो अभी जैसे मैंने लिए माउंटेन ड्यू आइस, और मैं एक तरह से कोल्ड ड्रिंक इतना लवर हूँ नहीं, मैं इतना कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, बट मेरे को भाई ये बहुत अच्छे लगे माउंटेन ड्यू आइस. अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक लवर तो बिल्कुल जरूर ट्राई करना माउंटेन ड्यू आइस को. मेरे को बड़ी अच्छी लगी है. कैसी लगी? नहीं भैया, पीने में अच्छी है, बहुत अच्छी लगी. तो चलो अब इसको इन्जॉय करते हैं, एंड जा रहा हूँ मैं अपना पुराने वाले घर पर. तो अभी जो टाइम है वो हो चुका रात के 1:10, और यहाँ पे आ चुका मेरा अभी डिनर, इसमें पापा का भी डिनर है, और यहाँ पे है साथ में ये आइस्ड कॉफ़ी, तो उसको भी खाता हूँ. तो जो 12 है ना ऑलरेडी बज चुके हैं, तो एक तरह से मेरा अब आखिरी दिन है मेरे इस वाले घर के अंदर, और 18 साल इस वाले घर में मैं रहा हूँ. और अब मैं बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब घर छोड़ रहे हैं, 18 साल से इस वाले घर में रह रहे थे ना. तो इतना से आपकी जो होती है ना थोड़ी सी फीलिंग होती है घर से डैश, तो भाई वो मेरे को बड़ा लग रहा है अजीब सा. और तो मेरा घर मेरे को बड़ा लग रहा है खाली खाली, मेरा रूम भी लग रहा है बड़ा खाली खाली, एंड थोड़ा मेरे को लग रहा है एक तरह से सरप्राइजिंग मोमेंट हो रहा है मेरे लिए कि भाई मैं घर चेंज कर रहा हूँ अपना, एंड थोड़ा सा फीलिंग भी इस वाले घर में है. तो डोंट नो भाई क्या करा जाए, थोड़ी सी इमोशनल चीज़ें भी हो रही हैं मेरे साथ में. तो चलो जो भी है कोशिश तक खाने के बाद मिलता हूँ. एंड गाइस मीन वेल चेकआउट में ब्रांड जो की है vibezone.com, एंड जो टी शर्ट मैंने खुद के ब्रांड की है, एंड जिसकी क्वालिटी है वो है 180 GSM बायो वॉश, एंड जो प्रिंट क्वालिटी है वो है DTG. सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप. जो भी फिलहाल डिजाइन अवेलेबल हैं वो है लगभग 8 डिजाइन, एंड जो नई डिजाइन है वो आने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी. तो उसके लिए वीडियो स्टे ट्यून्ड, एंड गाइस ऑल्सो यूज माई कूपन कोड जो की है vibezone टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड. तो भी मैंने की थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड किया, आप लोगों को पूछना मैं से क्यों इन्हें मैं, तो यू गाइस कैन आस्क मी, तो ये थी वो स्टोरी. और इसमें मेरे को बहुत सारे आप लोगों ने पूछे हैं क्वेश्चंस. उनमें से जो पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो है मेरी थार का है जो मैंने बुक करवाई थी नवंबर में. तो थार का भी क्या सीन है कि जो थार थी मैंने बुक करी थी सबको बताया नवंबर में, जो मेरे को उन्होंने कहा था कि जो वेटिंग टाइम है लगभग वो गाड़ी का है 3 से 4 महीने, बट जो गाड़ी का अभी तक कोई अपडेट है नहीं आया मेरे को कंपनी की तरफ से, मेरे को कंपनी अभी तक कोई कॉल भी नहीं करा है, ना कि मैंने अभी तक कंपनी से पूछा है. तो जब कंपनी कॉल करेगी तब देखेंगे, अभी तक फिलहाल तो कोई थार लेने मेरा लेने का प्लान नहीं है, क्योंकि जब मैंने थार बुक करवाई थी ना उससे मेरा कोई प्लान था नहीं लेने का R8, तो मैंने अभी ले लिया R8. तो इस चक्कर में तो अभी थार लेने का प्लान है वो अभी नहीं है, और वो कंपनी से आता है कॉल तो अगर पापा बोलेंगे तो देख लेंगे. तो अभी को मेरा कार लेने का प्लान चल रहा है कि मेरे को इतना चाहिए सेकेंडरी कार, क्योंकि मेरे जो ए क्लास है उसको मैं कर रहा हूँ अभी सेल आउट, एंड लगभग 2 से 3 दिन में गाड़ी जो है वो सेल आउट हो जाएगी. उसके बाद में देखेंगे कौन सी मैं कार लूँ. मेरा जो फिलहाल लेने का मैंने वो है तो या मिनी कूपर या रेंज रोवर या BMW की 3 सीरीज़. तो एक तरह से सारी जो सेगमेंट है अलग है, तो देखते हैं कौन सी मैं लेकर आऊँ. वैसे जो मेरा मैंने वो मिनी कूपर का कर रहा है, पापा का कर रहा है 3 सीरीज़ का, मम्मा का कर रहा है रेंज रोवर का. तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या है, और जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में. सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो मी इंस्टाग्राम आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन. तो बढ़ते हैं हमारे सीधा सेकंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड क्वेश्चन है वो है मेरा कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ ब्लॉग करने के लिए. जो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ Alpha 66, जो कि वाला कैमरा ही बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, क्योंकि लेंस की है 16mm का 1.4 का लेंस सिग्मा का, एंड दिस इज द बेस्ट सेटअप. एंड जो मेरा मेन सेटअप है वो है Alpha A7S3 कैमरा, जो कि तरह से बिल्कुल बीस्ट है ब्लॉगिंग के अंदर. उसका लेंस है वो है 12-24 G Master, एंड दैट लेंस इज अमेजिंग. तो बढ़ते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मैं अभी कौन सा ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ. तो फिर आई डोंट हैव एनी ड्रोन्स. जितने पहले ड्रोन से मैंने करती थी सेल 1 साल पहले, आई जस्ट थॉट की मैविक प्रो 3 है वो आ रहा है, मेरे को फ्रेंड ने बता दिया था कि जो ड्रोन है वो आने वाला है, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो ड्रोन है वो अभी हो गया डिले, एंड जैसे ही वो ड्रोन आएगा मैं ले लूँगा. एंड जस्ट का फाइनल क्वेश्चन है वो है मेरा ऑडी अलर्ट का मॉडिफिकेशन ब्लॉग कब आएगा. तो उसके लिए भी थोड़ा मैं रखा हूँ, सबको पता है कि मैं भी जाऊँगा दुबई, तो वहाँ पर जो शारजा मार्केट है ना वो बहुत बड़ी कार मार्केट है, एंड वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि लेकर अपने लिए एयर फिल्टर स्टेयरिंग व्हील कार के लिए, एंड थोड़ी सी कार की ग्रिल, जो कि आगे की कार की ग्रिल है. क्योंकि इंडिया में जो प्राइस है ना एयर फिल्टर का लगभग वो है 32-33 हज़ार रुपये के अराउंड, जो दुबई में प्राइस है लगभग वो है उसका 18 हज़ार रुपये, यानी कि 900 दिरहम. तो आई थिंक जो एयर फिल्टर मैं दुबई से लेकर आऊँगा, जो ग्रिल है इंडिया में मेरे को मिल रही है 28 हज़ार रुपये की, जो दुबई से है आई थिंक मेरे को मिल जाएगी 19-20 हज़ार रुपये की. तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको इंडिया से ही लगवा लूँगा. जो स्टेयरिंग व्हील है वो इंडिया में है 1,25,000 रुपये का. मेरे को एक बार जाकर देखना दुबई में उसका प्राइस क्या होता है, अभी तो जो प्राइस में दुबई में पता नहीं करा है. तो मैं जाऊँगा जैसे दुबई में जाऊँगा, मैं जाऊँगा शारजा, एंड वहाँ पे जो कार मार्केट है वहाँ को पता चलेगा उसका प्राइस क्या है. अगर मेरे को वहाँ लगता है छोटे मोटे प्राइस तो मैं वहाँ से उठा लूँगा, नहीं तो उसको इंडिया से ही ले लूँगा. तो ये था पूरा मेरा Q&A जो कि आप सब लोग मेरे पूछ रहते हो. एंड यूजुअली आई पोस्ट मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज Q&A की सारी रात को 12-1 बजे करूँगी, रात को मैं उठा होता हूँ, एंड सारी जो एडिटिंग वगैरह की वर्क होते हैं सारे मैं करता हूँ रात को ही. तो चलो खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय गाइस, मेक श्योर फॉलो मी इंस्टाग्राम आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन, एंड चेक आउट vibezone.com की मेरा एक खुद का ब्रांड है, एंड यहाँ पे जो टी शर्ट्स हैं वो नई नई आने वाली हैं बहुत जल्दी नए नए डिजाइन के साथ में. लिंक इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप विद दैट साइड. बाय एंड स्टे सेफ.